हेलो फ्रेंड्स, आज हम नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो चैप्टर 14 है सिंपल इंटरेस्ट, उसका 14.2 असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सम विल अमाउंट टू 6,600 इन 4 ईयर्स एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। यानी ये जो 6,600 है, हमने एक अमाउंट जो है, एक हम कह सकते हैं एक रकम हमने किसी से उधार ली या हमने बैंक में डिपॉजिट डाला, तो उसको ऐसी कौन सी रकम है जो हमने डिपॉजिट की है जिसके ऊपर हमें 6,600 अमाउंट मिल रहा है ना। यानी मेन जो प्रिंसिपल है वो हमें फाइंड करना है। इन चारों ऑप्शन में से वो प्रिंसिपल कौन सा है ये हमें फाइंड करना है। तो हमारे पास रेट है 8%, टाइम है 4 ईयर्स, और जो अमाउंट है हमारे पास अमाउंट है 6,600 रुपीस, है ना। इंटरेस्ट हम पहले निकाल लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सपोज़ कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो ₹1 है। आप चाहो तो एक एक ऑप्शन लेके भी सॉल्व करके देख सकते हो, पर उसमें समय भी लगेगा। उस मेथड से भी हम करेंगे, पहले हम इस मेथड से कर लेते हैं। तो सपोज़ हमने क्या सपोज़ किया कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो ₹1 है। अगर प्रिंसिपल ये है और अमाउंट ये है तो फिर इंटरेस्ट कितना आ जाएगा। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देंगे तो हमें इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा इंटरेस्ट। अब हम इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं और सॉल्व करते हैं। यह हमारा इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो इंटरेस्ट की फॉर्मूले की जगह पर इंटरेस्ट की वैल्यू जो हमने लिखी वो इक्वल प्रिंसिपल की जगह पर एक्स, रेट हमारा 8 है, टाइम 4 ईयर्स है, और अपॉन ये 100। अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो ये 4 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया 25। ठीक है, अब ये जो 25 है हम इसको भेज देंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये यहाँ पर डिवीजन में यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, या फिर हम इन दोनों को भी भेज सकते हैं डायरेक्टली। 8/25 को अगर इधर भेजेंगे तो वो 25/8 में जाएगा। चलो देखते हैं। तो ये हमने पहले हम 25 को ही भेजेंगे फिर इस तरीके से, और यहाँ पर हमारा 8x बचा, है ना। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। -25x = 8x, इतना है। अब x की जो टर्म्स हैं उनको हम एक साथ में लिख देते हैं सारे जो भी उसके पद हैं। तो ये 8x, अब ये 25 जो है वो प्लस में आ जाएगा इधर, तो ये टोटल कितना हो गया 33x = 165,000, यानी 165,000। अब हमको x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम x को यहीं पर रखेंगे और 33 जो है वो इधर मल्टीप्लिकेशन में है, इसके पास आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो डिवीज़न में आ जाएगा। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू लिखेंगे 165,000/33। बस अब हम इसे डिवाइड कर देते तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो ये जो है 165 33 के टेबल में 5 नंबर पे आता है, और ये 3 0। तो इस प्रकार हमारे x की वैल्यू कितनी आई, 5,000 आई। मतलब हमारा जो ऑप्शन बी है वो हमारा सही है, हमें प्रिंसिपल ही फाइंड करना था। तो हमारा जो प्रिंसिपल है x है तो वो है ₹5,000। यानी हमने किसी से 5,000 उधार लिए तो 4 साल में 8% के हिसाब से उसके 6,600 रुपये अमाउंट होता है, यानी 1,600 उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा। ठीक है, अब दूसरी मेथड से आप करना चाहे तो पहले हम ये ऑप्शन लेंगे, इसको प्रिंसिपल सपोज करेंगे, उसके बाद में फिर प्रिंसिपल सपोज करने के बाद फिर इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर दो अमाउंट निकालेंगे। तो अगर ये आंसर आता है तो हमारा ऑप्शन सही है, वरना फिर दूसरा ऑप्शन लेना पड़ता है। तो ये उससे ज़्यादा अच्छा तरीका है। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, अ मैन डिपॉजिटेड ₹3,000 फॉर 2 ईयर्स विद सिंपल इंटरेस्ट इन अ बैंक एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। हाउ मच मनी विल ही गेट बैक आफ्टर 2 ईयर्स।
यानी एक आदमी ने क्या किया, बैंक में 3,000 रुपये डिपॉजिट किए 2 साल के लिए विथ सिंपल इंटरेस्ट, यानी 10% के सिंपल इंटरेस्ट से उन्होंने डिपॉजिट किए। तो फिर उसे 2 साल में कितने वापस मिलेंगे, तो 2 साल में उसे टोटल कितने वापस मिलेंगे, मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, अमाउंट। तो पहले हम इंटरेस्ट निकालेंगे, उसके बाद में अमाउंट निकालेंगे। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो प्रिंसिपल है हमारा 3,000, रेट है हमारा 10% और टाइम है हमारा 2 ईयर्स अपॉन 100। तो मैं ये मैंने इस तरीके से जीरो काट दिए, तो यहाँ पर बचा 30 × 10 × 2। तो 30 × 10 = 300 होता है और 300 × 2 = 600। तो इस प्रकार हमें हमारा इंटरेस्ट मिल गया 600। पर हमें 2 साल के बाद उसे टोटल कितने वापस मिलेंगे, केवल इंटरेस्ट नहीं प्लस प्रिंसिपल यानी कि अमाउंट चाहिए। तो हम अमाउंट निकाल लेते हैं, तो अमाउंट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल है हमारा 3,000 प्लस इंटरेस्ट है 600। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3,600 रुपीज़। ये हो गया हमारा अमाउंट, यानी कि ऑप्शन जो है डी हमारा सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, एट वॉट रेट पर एनम विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹3,650 बी ₹1,314 आफ्टर 3 ईयर्स। यानी को हमें रेट चाहिए, यहाँ पर हमारे पास रेट नहीं है, हमें जो है यहाँ पर ये इंटरेस्ट दिया गया है और ये प्रिंसिपल है, 3,650 पर 1,314 रुपये इंटरेस्ट होता है 3 साल के बाद। तो फिर उसका रेट हमें निकालना है, फाइंड द रेट। तो अब हम पहले इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देते हैं, उसी के बाद हम रेट का फॉर्मूला बनाते हैं इंटरेस्ट के फॉर्मूले से ही। तो ये हमारा बन गया है रेट का फॉर्मूला। अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, तो इंटरेस्ट जो है 1,314 मल्टीप्लाई बाय 100, प्रिंसिपल की वैल्यू 3,650 मल्टीप्लाई बाय टाइम 3 ईयर्स। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये जीरो से ये जीरो कट हो गया। अब यहाँ पर बचा 1,314 मल्टीप्लाई बाय 10 और यहाँ पर है 365 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर चाहो तो इस 3 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। देखिए 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 8 ज़ा 24। तो यहाँ पर ये बचा 438 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 365। अब ये जो है इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो आ जाएगा 4,380 अपॉन 365। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे हम, तो हमारा आंसर आ जाएगा 12 डिवाइड करने पर। तो रेट हमको मिल गया 12%। ठीक है, आप डिवाइड करके यहाँ पर दे सकते हैं किस तरीके से हमने किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ सर्टेन अमाउंट विद सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स डबल इन 12.5 ईयर्स, वे देन व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंट पर एनम। यानी एक अमाउंट है हमारे पास, एक रकम है जिसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट जो है वो रकम जो है वो डबल हो जाती है 12.5 साल में, तो फिर उसका रेट कितना होगा ये हमको निकालना है। तो देखिए हमारे पास में अमाउंट भी नहीं है, प्रिंसिपल भी नहीं है, बस केवल टाइम दिया है 12.5 ईयर्स, और इंटरेस्ट भी नहीं है और रेट भी नहीं है। तो हमको केवल क्या करना है, उसका हमें क्या बताया गया है कि वो जो जो भी रकम है वो डबल हो जाती है, यानी उसका जो अमाउंट है, जैसे अगर हमने 2,000 लिया तो 2,000 का 4,000 हो जाता है, यानी कि जितना प्रिंसिपल है उतना ही इंटरेस्ट बनता है, तब वो डबल होती है। तो हमने क्या किया, प्रिंसिपल सपोज किया एक्स, तो इंटरेस्ट भी एक्स ही रहेगा, तब जाके वो डबल 2x हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए प्रिंसिपल हमने एक्स सपोज किया, टाइम हमारा 12.5 ईयर है, इंटरेस्ट एक्स है और रेट हमको निकालना है। तो बस रेट का फॉर्मूला बना लेते हैं, तो इंटरेस्ट अपॉन मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन पी इंटू टी। तो रेट का फॉर्मूला, इंटरेस्ट हमारा एक्स मल्टीप्लाई बाय 100, प्रिंसिपल भी एक्स है और टाइम है हमारा 25/2। ठीक है, अब ये एक्स से ये एक्स तो मैंने
डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास देखिए क्या बचा है यहाँ पर, 100 डिवाइड बाय 25 अपॉन 2 है, इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है ये कि ये साइन को उल्टा कर दो और ये फ्रैक्शन को उल्टा कर देंगे तो हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो 25 फोर ज़ा 100, तो अब ये 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, यानी इस प्रकार हमारा जो रेट है वो आ गया 8%। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर्स इज ₹160। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन डबल द अमाउंट ऑफ मनी एट द सेम रेट फॉर 2 ईयर्स। यानी हमारे पास एक अमाउंट है, यानी एक रकम है हमारे पास में, प्रिंसिपल बोलेंगे हम उसे, तो उसके ऊपर एक सर्टेन रेट उन्होंने बताया गया, वो रेट फिक्स नहीं है, हमारे पास रेट नहीं है वो, पर एक रेट है, उस रेट पर 4 साल के बाद जो इंटरेस्ट है वो ₹160 हो जाता है। तो हमें बाद में करना क्या है कि वो जो भी अमाउंट हमने लिया था प्रिंसिपल, उसको डबल कर दो, रेट जो अभी हम फाइंड करेंगे वही रहेगी और टाइम जो है वो 2 साल कर देंगे, उसके बाद फिर हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो पहले हम क्या करते हैं कि हमने सपोज़ किया प्रिंसिपल एक से हमारा रेट जो है वो हमें फाइंड करना है, टाइम जो है 4 ईयर्स है और इंटरेस्ट जो है ₹160 है, तो हम पहले रेट फाइंड कर लेते हैं, फिर इसी रेट पे 2 साल के लिए हम उस जो भी अमाउंट रहेगी इसके डबल कर देंगे और फिर उसका इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दिया। अब देखिए हमको रेट चाहिए तो रेट का फॉर्मूला हमारा इस तरीके से बनेगा, अब वैल्यू पुट कर देंगे, इंटरेस्ट है हमारा 160 मल्टीप्लाई बाय 100, प्रिंसिपल है एक्स मल्टीप्लाई बाय टाइम 4 ईयर्स। सॉल्व कर दिया इसको, तो देखिए 160 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000 अपॉन एक्स, ये आ गया हमारा रेट। अब हम जो है रेट यही रखेंगे और प्रिंसिपल हम क्या लेंगे, अब उसने क्या बोला था, पहले वाला जो प्रिंसिपल था उसका डबल, तो एक्स का डबल 2 गुना 2x, ये हमारा प्रिंसिपल है, रेट हमारा है 4000 अपॉन एक्स और टाइम है हमारा 2 ईयर्स। अब हमको निकालना है इंटरेस्ट, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला वही पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो पी की वैल्यू है 2x मल्टीप्लाई आर की वैल्यू है 4000 अपॉन एक्स मल्टीप्लाई टाइम है हमारा 2 ईयर्स और ये नीचे मल्टी 100 फॉर्मूले के। ठीक है, अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट हो गए, ये x से ये x कट हो गया, अब यहाँ पर कितना बचा, 2 मल्टीप्लाई बाय 40 गुना 2। ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16 और ये आ गया 10, यानी ये हो गया हमारा इंटरेस्ट ₹160। अब 160 ही इंटरेस्ट क्यों है, पहले भी तो 160 ही था, तो यहाँ पर देखिए हमारा x था प्रिंसिपल, तो यहाँ पर हमने दुगुना कर दिया और यहाँ पर समय जो था वो 4 साल था, तो यहाँ पर हमने उसका आधा कर दिया, इसीलिए उनका इंटरेस्ट जो है वो सेम आया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹500 एट अ सर्टेन रेट फॉर 2 ईयर्स इज ₹100। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ मनी एट द सेम रेट फॉर 5 ईयर्स। यानी यहाँ पर देखिए ₹500 पर एक निश्चित रेट है जिसके ऊपर, जिसके हिसाब से 2 साल के लिए ₹100 इंटरेस्ट होता है, तो हमें करना क्या है, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है सेम अमाउंट यानी ₹500 पर ही, सेम रेट जो भी रेट यहाँ पर फाइंड होगी उसके ऊपर, पर टाइम जो है वो 5 साल रहेगा। तो यहाँ पर पहले हम प्रिंसिपल हमारा ₹500, टाइम 2 साल, रेट हमको फाइंड करना है, इंटरेस्ट है ₹100। तो अब हम पहले रेट फाइंड कर लेते, तो रेट का फॉर्मूला ही बना लेते डायरेक्ट, तो इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन पी इंटू टी, तो इंटरेस्ट है हमारा 100 मल्टीप्लाई बाय ये 100, प्रिंसिपल है हमारा 500 और ये टाइम है 2 साल। ठीक, तो ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कट, अब ये 100 है और ये अपॉन 10 आया, 5 2 ज़ा 10, तो 10 से 100 को डिवाइड किया, आंसर आ गया 10, यानी हमारा रेट कितना आया 10%। अब हमें क्या करना है, रेट यही रहेगा, अमाउंट भी हमारा यही रहेगा, बस टाइम हमारा रहेगा 5 ईयर्स, यानी प्रिंसिपल जो है 500
रेट जो है अभी जो फाइन किया 10%, टाइम जो है वो बदल जाएगा, 5 ईयर्स लेना है समय और हमें निकालना है उसका इंटरेस्ट। तो पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो पी की वैल्यू 500, आर की वैल्यू 10, टाइम 5 ईयर्स और ये फॉर्मूले का 100, ये 2 0 और ये 2 0 कट। अब बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 5 ज़ा 25 एंड 25 10 ज़ा 250, तो यह हमारा हो गया इंटरेस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो सी हमारा सही है, हमें केवल सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना था, इसीलिए केवल सिंपल इंटरेस्ट। लास्ट क्वेश्चन है, ₹1200 वॉज बोरोड विद सिंपल इंटरेस्ट फॉर 8 मंथ्स एट 8% पर एनम, हाउ मच मनी शुड बी रीपेड आफ्टर 8 मंथ्स। यानी हमने इतने रुपए जो है वो उधार लिए, तो फिर 8 महीने के लिए 8% के हिसाब से, तो हम 8 महीने के बाद उसे कितने वापस करेंगे, तो हमें अमाउंट फाइंड करना है ना। पहले हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे फिर अमाउंट, क्योंकि हमें 8 महीने के बाद पूरी रकम देनी है, तो पूरी रकम यानी अमाउंट होता है। तो पहले हमारा प्रिंसिपल है ₹1200, रेट है हमारा 8%, टाइम है हमारा 8 मंथ। अब 8 मंथ है तो हम इसे ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 12 से, क्योंकि 12 मंथ होते हैं टोटल, है ना, और अगर डेज आए तो 365 डेज से डिवाइड कर देंगे। हमको निकालना है पहले इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी की वैल्यू है 1200, आर की वैल्यू 8, टाइम की वैल्यू 8/12 और मल्टीप्लाई बाई ये 100, तो ये 2 0 ये 2 0 कट, ये 12 से ये 12 हो गया कट, अब बचा कितना, 8 8 ज़ा 64, तो ये हो गया हमारा इंटरेस्ट। हमको क्या फाइंड करना है, अमाउंट, क्योंकि टोटल रकम हमें देनी है, हम केवल इंटरेस्ट थोड़ी ना देने वाले। तो अब अमाउंट का फॉर्मूला हमारा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल है हमारा ₹1200 प्लस 64 रुपीस, तो कितना हो गया टोटल, 1264 रुपीस, ये हो गया हमारा अमाउंट, मतलब हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही है। इस प्रकार हमारा असाइनमेंट 14.2 कंप्लीट होता है। थैंक यू।